आइए सर, यही है वो फ्लैट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। 3 BHK है और अटैच वॉशरूम भी है इसमें। अरे रियाज जी, आज किसको? मैम यही है वो सर जो आपका फ्लैट खरीदना चाहती है। सर पूरे लखनऊ में आपको ऐसा फ्लैट ही मिलेगा। अरे सर, लगता है सर को फ्लैट पसंद नहीं आया। मैं एक मिनट पूछ कराता हूँ। सर सर सर, अरे सर सुनिए तो सर, अगर आपको फ्लैट पसंद नहीं है तो आप बताइए ना, मैं आपको दूसरा फ्लैट दिखा दूंगा। मुझे तुमसे ना एक बात पूछनी थी, उस लड़की की ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वो अपना फ्लैट बेच रही है? सर उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है, और दरअसल बात ऐसी है कि उसका जो पति था वो एक नंबर का सट्टेबाज और पियक्कड़ इंसान था। जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी थी या पैसा था वो सब जुए में हार गया और पी पी के उसने सब नाश कर दिया, और फिलहाल तो वो मर गया है और ले दे के उसके पास यही प्रॉपर्टी बची है। और सर किरायेदार उसके घर पे रोज दरवाजा खटखटाते, रोज उसकी बेइज्जती करते, अब वो बेचारी क्या करेगी? इस घर को बेच के ही वो अपना कर्जा चुकाने की कोशिश कर रही है। अरे सर ये सब आप छोड़िए ना, कहाँ आप भी फालतू के पचड़े में पड़ रहे हैं। अगर आपको घर पसंद नहीं आया तो आप बताइए, मैं आपको दूसरा घर दिखा दूंगा। कितना कर्जा है उसके ऊपर? सर यही कोई 15-20 लाख रुपए होगा। पर सर छोड़िए ना, आप भी कहाँ पड़ रहे हैं, मैं आपको दूसरा घर दिखा दूंगा ना। नहीं मुझे वो घर तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम वो कर देना। मैडम वो सर ने फ्लैट लेने से तो मना कर दिया। हाँ मुझे पता था। हाँ ये बैग आपको देने के लिए कहा था। क्या है इस बैग में? मुझे नहीं पता, आप खुद खोल के देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। सारे पैसे सर दे दिया मैंने बैग, पर मुझे एक बात नहीं समझ में आई, इतने सारे पैसे आपने उस लड़की को दे दिए और आप तो उसे जानते तक नहीं। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। बात दरअसल ऐसी थी, 4 साल पहले यार गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, मुझे नहीं पता था पेट्रोल खत्म हो जाएगा, नहीं तो मैं डलवा के आता। अच्छा वो हमारी शादी नहीं हुई अभी, सिर्फ फिक्स हुई है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अरे वर्षा तुम कैसी बात कर रही हो? माना मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं कर लूंगा, तुम मेरा साथ तो दो। सुनो अब मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना है, तुम्हारा स्ट्रगल ये कभी नहीं खत्म होगा। अब खत्म होगा तो हमारा तुम्हारा रिलेशनशिप, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। अरे वर्षा ऐसा कैसे कर सकती हो? वर्षा मेरी बात सुन लो वर्षा। मैंने सब कुछ ऐसा किया। अरे सर आपने भी क्या कर दिया, यही तो इतना अच्छा मौका था उससे बदला लेना था कि उसने आपको धोखा किया और आप देखो कितनी तरक्की कर गए। शिट सर आपने मौका छोड़ दिया। अरे मेरे भाई प्यार हमें ना ये नहीं सिखाता है, प्यार में कभी बदला भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि प्यार में सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट। अब ये मैटर नहीं करता प्यार में किसी ने धोखा दे दिया, सामने वाले ने धोखा दिया, अगर मैं भी उसके साथ में बदला लूंगा, उसके साथ में दुर्व्यवहार करूंगा, तो इसका मतलब मैंने प्यार कभी किया ही नहीं है। प्यार में हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए। अब ठीक है मेरी किस्मत में प्यार नहीं था, लेकिन वो जिसकी किस्मत में वो हमेशा खुश है, और मुझे क्या ही करना।